शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 17 अक्टूबर साल 2024 का राशिफल। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन शाम 4:20 तक चंद्रमा मीन उपरांत मेष राशि पर संचार करेगा। राहु काल दोपहर 1:35 से लेकर शाम 3:05 तक मान के चले। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट जैसे कि रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की मालाएं, रत्न, उपरत्न, उपरत्न से बने प्रोडक्ट आप shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के जातक आज अहंकार से दूर रहें, नहीं तो आज मिलने वाला लाभ प्रभावित हो सकता है। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाएंगे। करियर को लेकर यदि आपको कुछ समस्या चल रही थी तो उसमें भी आज सुधार हो सकता है। नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा आज दिन उतना अच्छा नहीं भी रहेगा, पर व्यवसायिक गतिविधियों में प्रगति होगी। भाई बहनों के संबंध अच्छे बनेंगे और घरेलू कार्यों को पूरा करेंगे। यदि आप पुराने समय को भूलकर आगे बढ़ते हैं तो आपको लाभ होगा। फिटनेस पे ध्यान दें, थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। आज के दिन किसी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और युवा पूरी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई और कैरियर पर ध्यान देंगे। आज के दिन बजट बनाकर चलें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी को स्पेस देने से पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है। आपके लिए शुभ रंग होगा क्रीम और शुभ अंक होगा 3। अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के जातक आज आपको जल्दबाजी में किसी भी कार्य को करने से बचना होगा, नहीं तो वो गलत हो सकता है। यदि वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आज परिवार के लोगों की सहमति आपको प्राप्त हो सकती है। बिजनेस संबंधित कोई लंबित पड़ा सरकारी मामला हल हो सकता है। घर परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप छोटे बच्चों के साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे। आपका कोई मित्र आपसे पुराने गिले शिकवे दूर करने आ सकते हैं, जैसे कि आपको बातचीत करके समाप्त करना होगा। नौकरी में सोचिए काम पूरे करने की कोशिश करेंगे। नए लोग से जुड़ते समय सिर्फ काम से संबंधित बातों की चर्चा करें। कुछ थकान और आलस्य सी स्थिति बनी रहेगी। व्यायाम और योगा करना आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। नौकरी पेशा लोगों को कोई ऑफिशियल यात्रा संबंधी ऑर्डर मिल सकते हैं। आप अपने करीबियों पर पूरा ध्यान देंगे और उनकी मदद से किसी समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। आपका कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको समस्या देगा ही। और शादीशुदा जोड़ों का दिन बिल्कुल शानदार रहेगा। आज के दिन आपके लिए शुभ अंक होगा 2 और माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक आज आप अपने धन का सही इस्तेमाल करें। आपको सलाह दी जाती है कि लॉटरी और सट्टेबाजी से आप दूर रहें। किसी बड़ी योजना से आमदनी होने की संभावना रहेगी। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव रहेगा। दूसरों की मदद आदि के कार्य में रुचि बढ़ेगी। अगर आपने किसी से रुपये उधार लिए हैं तो आप जल्द उसे चुकता कर देंगे। जन संपर्कों के मामले में आप पहले से अधिक सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
किसी पुराने कर्मचारी से मिलना आपके लिए हितकर साबित होगा। आज खान पान पे ध्यान दें। यात्रा के लिए दिन काफी अच्छा है। आपके व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक, आज के दिन आप में से कुछ लोग परिवार में कुछ रोमांचक किए जाने की जरूरत महसूस करेंगे। झूठ बोलने वालों से आप बच कर रहे हैं। जीवन में कुछ बेहद खुशी के पल आने वाले हैं। आप नई संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं। घर के सदस्यों की समस्याओं को सुलझाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। रिश्तेदार के साथ पैसे के लेन देन को लेकर संबंध खराब हो सकते हैं। व्यवसाय के प्रति किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। वर्तमान नौकरी में शानदार प्रदर्शन कर आप प्रोफेशनल ऊंचाई को छू सकते हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। मार्केटिंग का काम करने वाले को आज काफी यात्रा करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन से सहकर्मी प्रभावित होंगे। कठिन परिश्रम से कठिन कार्य भी पूरे हो जाएंगे। झूठ बोलने वालों से बचकर रहें, जैसा कि मैंने आपको कहा। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा। आज आपका भाग्यशाली रंग होगा केसरिया और शुभ अंक होगा 9। अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातक, आज आपको अपने संतान से संबंधित कोई फैसला लेते समय अपने माता पिता से सलाह मशवरा करके ही निर्णय लेना है। परिवार में आप सदस्यों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और परिवार में आपका मान सम्मान और ऊंचा होगा। आपके विनम्र स्वभाव से आपको मान सम्मान मिलेगा। कला कौशल से जुड़े लोग आज अच्छा नाम कमा सकते हैं। किसी स्कीम में पैसा लगाने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। अपनी व्यवसायिक योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें। निजी संपर्क के द्वारा कोई फायदेमंद ऑर्डर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता और क्षमता का पूरा इस्तेमाल करें। आप अपना खास ख्याल रखें और अपना भोजन समय पर करें। आप अपनी पारिवारिक संस्कारों को पूरा महत्व देंगे। वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलाएगी। रिलेशनशिप के हिसाब से आज का दिन काफी अच्छा है। शादीशुदा जीवन में प्यार भरे समय की प्राप्ति होगी। आज आपका शुभ अंक होगा 5। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक, आज कोई भी निर्णय लेने से पहले परिवारजन की राय अवश्य लें। किसी काम को करने की उत्सुकता बढ़ेगी। फाइनेंस से जुड़ा काम कर रहे लोगों को मन मुताबिक डील मिलेगा। कुछ खास व्यवसायिक जानकारियां मिल सकती है। आपके सामने कई जिम्मेदारी वाले काम भी आ सकते हैं। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे। सरकारी जॉब वाले लोगों को प्रमोशन से जुड़ी अच्छी जल्द खबर आएगी। हर कदम पर दोस्तों का सहयोग मिलेगा। महिलाओं को स्त्री रोग से संबंधित समस्या हो सकती है। किसी लापरवाही को करना आपके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। आप में से कुछ लोग आज रोमांचक यात्रा प्लान कर सकते हैं। अपने आसपास की परिस्थिति में कुछ बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। ऑफिस में आपके काम से काम रखें। दाम्पत्य जीवन में शांति बनी रहेगी और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी दिन काफी अच्छा है। आपके लिए शुभ अंकों का 1। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातक, आज पैसों को लेकर धैर्य रखें। व्यापार में आपको लाभ के कई बार
नए नए मौके मिलेंगे। प्रॉपर्टी या पूर्व के निवेश से आपको अच्छी रिटर्न मिलने की उम्मीद है, बस भरोसा बनाए रखें। परिवार में मौज मस्ती का माहौल रहेगा। दिवाली के मौके पर भाई बहनों के साथ कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। लोहा और धातु का व्यवसाय करने वाले के लिए समय अनुकूल है। आपको अपने रिश्तेदारों से धन की मदद मिलेगी। आज जो लोग जिम में ट्रेनिंग वगैरह का काम करते हैं उन्हें अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी या पूर्व के निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। प्रेरणा और उत्पादकता आज आपके कार्य दिवस का वर्णन करने के लिए एकदम सही शब्द है। बहुत एनर्जेटिक रहेंगे आप। यात्रा पर भी जाने का मौका मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। परिवार और परिचित में यदि कोई बीमार है तो फोन पर ही हालचाल अवश्य लीजिए। पारिवारिक घटना को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद की आशंका बन रही है। जीवन साथी के मूड का पूरा ध्यान रखना आपके हित में रहेगा। प्रेम के मामले में आपको प्रस्ताव मिल सकते हैं। आपके लिए भाग्यशाली अंक होगा 8। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय अपने बजट का विशेष ध्यान रखें। व्यवसाय में अपने उत्पादन की क्वालिटी में सुधार की जरूरत है। कारोबारी महिला को किसी समस्या से राहत मिल सकती है। बॉस को आपकी क्षमता और महत्व का अनुमान होने वाला है। आपकी सराहना हो सकती है। आज खर्च भी होंगे। आपकी आज कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। कारोबार कर रहे लोग उन्नति पाकर प्रसन्न रहेंगे, लेकिन उन्हें किसी से भी अहंकार भरी बातें करने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के बाद आपको लाभ मिलेगा और अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कारोबारी महिलाओं को किसी समस्या से राहत मिलेगी। बॉस को आपकी क्षमता और महत्व का अनुभव होगा। अगर आप बहुत दूर की यात्रा कर रहे हैं तो मौसम पर नजर रखें। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों के कैरियर अथवा विवाह को लेकर चिंता रहेगी। आपको किसी मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। कला के क्षेत्र से जुड़े लोग आज ध्यान दें, नहीं तो किसी गलत काम में फंस सकते हैं। शासन सत्ता का भी आपको पूरा लाभ मिलता दिख रहा है। आज आपको अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्ते में हैं तो आज रास्ते में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आपकी लकी रंग होगा ब्लू और शुभ अंक होगा 7। हम धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातक आज ऑनलाइन लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत है। छोटे मुनाफे भी आर्थिक स्थिति में राहत का काम करेंगे। आज का दिन आपके रिश्ते में मिठास घोलेगा। कंस्ट्रक्शन के कारोबारियों का चल रहा काम आज पूरा हो जाएगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। आज फास्ट फूड को अवॉइड करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सायकाल में अधिक तीखा भोजन ना करें, यह आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। आज आपको किसी खूबसूरत जगह की यात्रा करने का अवसर मिलने की उम्मीद है। किसी मेहमान के घर आने से पूरा माहौल खुशनुमा बन जाने की उम्मीद बन रही है। नवविवाहित दंपत्ति को आज घूमने जाने का मौका मिल सकता है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 6। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातक आज आर्थिक स्तर पर संतोषजनक स्थिति में रहेंगे। अपने व्यवसाय से संबंधित नई जानकारियां हासिल करना जरूरी है। बढ़ी हुई जिम्मेदारी को जिस तरह आप निभा रहे हैं उसे सीनियर्स काफी प्रभावित होंगे। युवाओं को अपने किसी मनपसंद कार्य के पूरा होने से सुकून मिलेगा। आत्मविश्वास की भरमार रहेगी। आप जल्द ही नया घर बनाने या खरीदने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। व्यवसायिक योजनाओं को पूरा करेंगे। कुछ नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करें।
परिवार के किसी सदस्य से बहसबाजी की स्थिति बन सकती है, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। खान पान पे ध्यान दें, वाहन का प्रयोग करते हैं तो सावधानी से करें। रात्रि के समय कीर्तन में जा सकते हैं, इस दौरान आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होगा। आप अपनी क्रिएटिविटी से अपने गृहस्थ जीवन को खुशनुमा बनाएंगे। रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा समय है, आपके लिए शुभ अंक होगा 4। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक, आज के दिन व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। व्यवसाय की योजना बनाकर काम करेंगे तो आपके साथ इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। धन के मामले में आज विशेष सावधानी बरतें। कारोबार को लेकर नए कॉन्ट्रैक्ट या समझौते भी होने की संभावना है। नौकरी के बेहतरीन अवसर आपको नए शहर में भी प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों के सहयोग से आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपके कुछ तनातनी रहेगी, इसलिए आपको किसी मामले को शांति से निपटाना है। अपने संबंधों को मजबूत करना है। अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस वक्त की गई मेहनत का भविष्य में उचित परिणाम हासिल होगा। आपको अपने करीबियों का सहयोग मिलने से काफी सारी समस्याएं हल होंगी। आप किसी भूमि या भवन आदि की खरीदारी कर सकते हैं। लव पार्टनर की तलाश खत्म होगी। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 9। अब मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातक, होम लोन लेने से पहले अपनी स्थिति पर विचार कर लें। उदास महसूस कर रहे लोगों को करीबियों से मिलने की जरूरत है। आज भाई बहनों के साथ खूब मनोरंजन करेंगे। आस पड़ोस के लोगों से मधुरता बनाए रखें। प्रोफेसर्स के लिए दिन लाभदायक है। बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा। आप ऐसे कुछ लोग आज नई प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में कदम बढ़ाने वाले हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार विमर्श अवश्य कर लें। महिलाओं को अपने व्यवसाय अथवा नौकरी में विशेष सफलता मिलेगी। दूषित पानी और खान पान की वजह से पेट संबंधी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। बिजनेसमैन आज डील साइन करेंगे जो तरक्की के साथ लाभदायक साबित होगा। आज करीबी रिश्तेदार आपसे मदद मांग सकते हैं, उनकी हर संभव मदद जरूर करेंगे। माता पिता बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विचार कर सकते हैं। लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को जांच लीजिए। प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज अपने रिश्ते की किसी की कमी को दूर करने की कोशिश करते नजर आएंगे। आपके लिए शुभ अंक होगा 4। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।